सो हेलो रिवन गुड इवनिंग टू ऑल और 40th क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था और क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन से करना था उम्मीद करता हूँ सभी लोग सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो आगे होंगे <coughs> और अगर आपका मन हुआ करे तो सेशन को लाइक like और शेयर भी कर दिया करें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है अगर मन हुआ करे तो उम्मीद so, करता हूँ सभी ने क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक सॉल्व कर लिया होगा राइट right? नमस्ते यू ललित फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अक्रेंस ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स इन ऑस्ट्रेलिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमने अभी किया नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी अगेन बट ये क्वेश्चन एक सेकेंड बट ये क्वेश्चन सॉल्व uh, करेंगे जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया हमारा तो ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया था वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे ये जो किम्बरले है एकदम नॉर्थ वेस्ट में है सेमसन डेजर्ट यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में है लेक आयर अगेन नीचे मूव करेंगे लेक आयर यहाँ देखने को मिलेगा और जो आपकी मुर्रे रिवर है मुर्रे और डार्लिंग रिवर नीचे है तो मुर्रे रिवर कुछ यहाँ पे तो यहाँ पे किम्बरले प्लेटू यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ में पूछ रहा है सो गुड इवनिंग रोहित शिवानी तो यहाँ पे फर्स्ट होगा राइट देन उसके बाद हमारा सेमसन डेजर्ट आएगा देन लेक आया रहेगा एंड देन आपका आएगा मुर्रे रिवर तो वन थ्री फोर टू ऑप्शन नंबर ए ठीक है अब ये मत सोचा करिए कि हमने पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं है जो भी आपको नई चीज़ मिलती है सर्च इट सर्च इन ऑन इट ऑन मैप लोकेट करो उसको और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें आपकी जुड़ती चली जाएंगी हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको ना पढ़ाऊँ ठीक है और वहाँ पर वो वह आ जाए तो वो कैसे होगा जब आप खुद से भी कुछ एक्टिविटी अपने आप करोगे तब ठीक है ये उसका पे एग्जाम तो है नहीं छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं कि जो मैंने इतनी चीज़ें बताई तो वही छपी मिल जाएंगी पेपर में है ना इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडियाज फ्रंटियर्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से सही कौन सा है इंडियाज सदरन बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू फाइव डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन दे ऑफ बंगाल और राइट ओनली फोर लैंड लॉक्ड यहाँ पे पूछ रहा है सही कौन सा है यानी तीन गलत है ओनली फोर लैंड लॉक्ड स्टेट्स डू नॉट हैव ए इंटरनेशनल बाउंड्री मोर नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद म्यांमार दैन विद नेपाल इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश तो यहाँ पर अगर हमें ये नहीं पता है कि ये तीनों ऊपर वाले गलत हैं कि नहीं जो कि आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो कंफ्यूज कर दिया इसने ठीक है ठीक है तो यहां पे लेकिन ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री बॉर्डर विद दी बांग्लादेश ठीक है मैंने आपको बताया था आई थिंक याद भी करवाया था बचपन में एमबीए से याद करवाया था आपको बचपन में एमबीए बी बी से बांग्लादेश सी एच से चाइना पी से पाकिस्तान एन से नेपाल एम से म्यांमार बी से भूटान ए से अफगानिस्तान दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ सबसे कम एक्चुअल में जो हमारा पीओके वाला रीजन है वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है पहला क्यों गलत है बिकॉज हमें पता है सिक्स डिग्री एट मिनट्स जो है हमारा सदर मोस्ट वॉकट्यूड है राइट right, और ये एक्सटेंड करता है अगर हम इसमें तकरीबन ट्वेंटी नाइन या फिर ये तो हो गया आपका जो मैंने एकदम यानी कि एकदम इन सेंस जो इंदिरा पॉइंट का आप लैटिट्यूड मान सकते हो लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है उसका कितना है एट डिग्री है है ना और यहां पे अगर बात करें तो थर्टी सेवन डिग्री अप्रॉक्स आपका नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्ग लैटिट्यूड है और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड सिक्सटी एट डिग्री है अराउंड और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है अराउंड नाइन्टी सेवन डिग्री ये पता होना चाहिए ओनली फोर लैंड लॉक्ड अगेन ओनली वर्ड है तो इसने लिमिट कर दिया मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ही गलत होगा बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए तब तो ओनली फोर लैंड लॉक नहीं बल्कि यहाँ पे चार लैंड लॉक्ड सॉरी पांच होंगे लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है जिनकी ना तो इंटरनेशनल कोई बाउंड्री यानी किसी देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं ना ही उनकी कोई कोस्टल बाउंड्री है ना ही उनकी कोई तटीय सीमा है ऐसे पांच राज्य हैं एक तो आपका सबसे सेंट्रल में एम है उसके बगल में छत्तीसगढ़ है उसके बगल में झारखंड है ये तो तीन हो गए फिर आपका तेलंगाना होगा ठीक है और पांचवा होगा हरियाणा ठीक है हरियाणा तो ये पांच हो गए जो कि प्योरली लैंड लॉक्ट है मोर नंबर ऑफ़ इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद म्यांमार देन नेपाल तो म्यांमार के साथ कौन से शेयर करता है मोर नंबर ऑफ इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार देन विद नेपाल तो म्यांमार के साथ तो हमारे शेयर करते हैं अरुणा मामी ठीक है अरुणा यहाँ पे मैं चलो लिखी देता हूँ अलग से ना क्यों इतनी पेज ही बचत कर रहे हैं हम लोग एक तो यहाँ पे अरुणा मामी ठीक है अरुणा मामी ये शेयर करते हैं किसके साथ म्यांमार के साथ, साथ. अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम ये नॉर्थ से साउथ का एकदम ऑर्डर है आपको पता होगा चार हो गए और उसमें मैंने आपको कैसे याद करवाया था नेपाल में हुँ? नेपाल में यहां पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूपी भी है उत्तराखंड भी है बिहार भी है सिक्किम भी है चार तो यहां पे भी है ठीक है तो ये बात कहना कि म्यांमार के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है लेडी होगी फोर किलोमीटर बिल्कुल ठीक तो यहां पर यह आपका फोर्टी सेकेंड का डी ऑप्शन सही आंसर होगा ठीक फोर्टी थ्री पे आते हैं फोर्टी थ्री क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट विद दी फ्रंट फार्मेशन और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मैंने पी डी एफ शेयर की थी आपके ग्रुप में तो आप उसको आप उसको आ, खोल सकते हो ठीक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट विद्रंट फार्मेशन वेर एस ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट देयर एनर्जी फ्राम वार्म वेयर बिल्कुल सही है आपके जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब जो टेम्परेट एरियाज में बनते हैं हायर लैटीट्यूड्स में बनते हैं वो फ्रंट के फॉर्मेशन से बनते हैं फ्रंट कैसे बनता है जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब मिलता है तो बीच में एक फ्रंट बन जाता है और वही रोटेट करने लगता है विंड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर देन एंड डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डेफिनेटली मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल्स अब डेफिनेटली वर्ड मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने एक वीडियो देख लिया था जहाँ बाबर आजम का एक मीम था कि वैन वेन एनी वन लर्नस अ न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश तो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बोलता है बाबर आजम तो लगता है वही मेरे अंदर भी उसने रेडिएट कर दिया ठीक है खैर कोई नहीं समझ में आनी चाहिए आपको बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कैरी करता है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं फ्रीक्वेंट बहुत होते हैं जल्दी जल्दी आते तो हैं लेकिन उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव होते हैं अब यहाँ पे आई विल टेल यू अ न्यू थिंग डेफिनेटली और वो नई चीज़ ये है कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी एंड दैट इज ट्रॉपिकल साइक्न आपके मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट ठीक है ईस्ट टू वेस्ट और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन आप बोल सकते हो दैट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कोई रीज़न बता सकता है इसका कोई रीज़न बता सकता है आसान है रीज़न मतलब इतना टफ नहीं है जानना हम लोगों ने पढ़ रखा है ठीक है उसी पर बेस्ड ही है आपका रीज़न बताओ अच्छा तुम पर्टिकुलर पर्टिकुलरली बोलते रहते हो अच्छा तो इसका रीज़न है बताता हूँ एक्चुअल में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिक्स में और ट्रॉपिक्स के पास क्या ब्लो होती है ईस्टरलीज यानी चलती कैसी है ईस्ट टू वेस्ट समझ समझिए रीज़न और यहाँ चलती है वेस्टरलीज तो ये इसलिए ब्लो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट लेकिन लेकिन जैसे कि एक कॉन्सेप्ट बताया था आइडियल के टाइम पे कि जैसे यहाँ पे जाते हो तो भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था जैसे आप अलास्का से जैसे रशिया से अलास्का जाते हो ठीक है तो अगर आप ऐसे मूव करते हो तो आपको डे लॉस होता है फिर आपको डेट सप्ट्रैक्ट करना पड़ता है यानी कि जो दोनों चीज़ें थी वो आपस में विपरीत थी है ना जहाँ डे गेन हो रहा था वहाँ डेट को घटाना पड़ रहा था और जहाँ डे लॉस हो रहा था वहाँ डेट को ऐड करना पड़ रहा था ऐसा था ना वैसे ही ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये ईस्ट टू वेस्ट को हम बोलेंगे वेस्टवर्ड मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट ब्लो हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे वेस्टवर्ड वेस्ट की ओर ब्लो कर रही है ईस्टर्ली बोलते हैं बट वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है ये ठीक आगे बढ़ते हैं फोर्टी फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन आर डायरेक्शन पैरल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस ये तो सही होगा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस मेंटेन करते हैं अब जेट स्ट्रीम जो एक तरह के विंड्स होती हैं है विंड्स है, है ना कैसे जियॉफिकल <coughs> विंड्स वो होती हैं दैट ब्लो पैरल टू आइसोबार्स दैट ब्लो पैरल टू आइसोबार्स बट परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस बट परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ठीक है जेट स्ट्रीम होती है क्या जो अपर ट्रोपोस्फियर में जो विंड ब्लो करती हैं ऐसे मियांडर होते हुए और बिकॉज ये मियांडर करती हैं इसीलिए इनको हम एक और नाम देते हैं रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं रॉसबी वेव्स ध्यान रखना ठीक ये कई तरह की होती हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स हो सकती हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ से मेरा मतलब है इंडिया में विंटर्स के टाइम में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती हैं समर्स के टाइम में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो करती हैं और वो टेम्प्रेरी नहीं होती हैं दो तरह की हम बोल सकते हैं जेट स्ट्रीम परमानेंट और टेम्प्रेरी परमानेंट हो गई जैसे पोलर पोलर जेट स्ट्रीम्स फिर हमारी हो गई वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स लेकिन टेम्प्रेरी में सोमाली जेट स्ट्रीम हो गया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया ये सब टेम्प्ररी है ठीक है ऑप्शन नंबर आंसर हो गया यहाँ पे बी डेफिनेटली ठीक अगला क्वेश्चन है फोर्टी फाइव नंबर अरेंज द फॉलोइंग सर्ल्स इन दसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अवेलेबिलिटी इन इंडिया घटते घट गट, कम से ज्यादा मैं आपको अरेंज करना है एलुवियल सॉयल सबसे ज्यादा होती है इंडिया में 43 और 42 परसेंट होती है अराउंड इसके बाद यहाँ पे रेड एंड येलो सॉयल लिखा नहीं है बट एक्चुअल में रेड एंड येलो सॉयल होता है बट यहाँ पे उसके बाद ब्लैक सॉयल का नंबर आएगा बिकॉज रेड एंड येलो सॉयल तो है नहीं थ्री लेटे -right सबसे कम होगी एरिड एंड देन आपका लेटे -right. ठीक है फोर टू थ्री वन फोर टू थ्री वन ये तो कहीं नहीं है असेंडिंग पूछा ना असेंडिंग यानी कि कम से ज्यादा होगा ना असेंडिंग कम यही तो होता है आई थिंक यहाँ पे डिसेंडिंग होना चाहिए फिर तो डिसेंडिंग होना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो तब यहाँ पे आंसर आएगा वन थ्री टू फोर ऑप्शन नंबर डी गलत है यहाँ पे ठीक अगला क्वेश्चन है फोर्टी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है बट इन्वर्जन में क्या हो जाता है घटने की बजाय एक ऐसी लेयर मिल जाती है जहां टेम्परेचर बढ़ जाता है घटने की बजाय दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं इस पर क्वेश्चन भी आया था आपके इस बार सी डी एस एग्जाम में एंड द फर्स्ट कंडीशन इज की लॉन्ग विंटर नाइट ठीक है लॉन्ग विंटर नाइट जहां रात में कारनामे हो रहे हैं वहीं ऊपर भी कारनामा हो रहा है और वो हो रहा है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पे ठीक है तो लॉन्ग विंटर नाइट्स हो गई और क्या हो गया क्लाउडी नहीं होना चाहिए ठीक है क्लाउडी स्काई नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए लॉन्ग विंटर नाइट क्लाउडी स्काई और विंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है थीके? नहीं तो सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है तो लॉन्ग विंटर नाइट्स एडेड बाई माउंटेनियस टोपोग्राफी तो ये आपको ज़्यादातर जो हिल्स में देख हिल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है ठीक है हिली एरियाज़ में तो पहला सही है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रिस्ट्रिक्टिव क्लाउड्स टू नॉट ग्रो हाई इनफ फॉर पूछा क्या यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रिस्ट्रिक्स कन्वेक्टिव क्लाउड्स टू नॉट ग्रो हाई इनफॉर रेनफॉल टू टेक प्लेस राइट लग तो सही रहा है बट मान लेते हैं कि नहीं पता आपको क्वेश्चन मार्क लगाया पोलर एरियाज रेयरली विटनेस टेम्परेचर इन्वर्जन ड्यू टू लोअर टेम्परेचर आप खुद ही सोचो यार क्या कंडीशन थी इन्वर्जन टेम्परेचर के लॉन्ग विंटर नाइट ये पोलर एरियाज में नहीं मिलेगा क्या लंबी ठंडी रातें अरे पोलर एरियाज में तो दबा के मिलेगा तो इन्वर्जन इन ऑफ टेम्परेचर पोलर एरियाज में तो दबा के होगा तो आंसर सी होगा क्योंकि गलत है इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डेज बिल्कुल उसमें क्या होता है फ्रॉस्ट बर्फ जम से जम के पेड़ नष्ट ना हो जाए इसकी रक्षा का इससे रक्षा करता है कौन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये हमें स्किप करना है बिकॉज जोग्राफी से नहीं है 48 पे आते हैं विच इज द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग रिवर मियांडर मियांडरिंग इज

Is most in the by even and <laughs> चलो एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं ठीक हैिंग इज मोस्ट प्रोनाउंज इन द रीजन कैक्टराइज बाय इवन सरफ़ेस एंड जेंटल स्लोपुर मियांड्रिंग कहाँ होती है जहां पे रिवर आराम आराम से फ्लो कर रही है सांप की तरह उसको बोलते हैं मियाड्रिंग एकदम से स्लोप होगा तो थोड़ी ना सांप की तरह फ्लो करेगी तो पहला वाला क्या होगा सही होगा मियाडर रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन बिल्कुल याद करो मैंने आपको बताया था कि ऐसा जब मियाड्रिंग होता है ना तो एक होता है कॉन्केव साइड ये वाला और एक होता है कॉन्वेक्स साइड अंदर वाला तो कॉन्केव साइड में इरोजन होता है और यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड में डिपोजिशन होता है तो इरोजन फीचर भी हो गया और डिपोजिशन फीचर भी हो गया तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी पेनसुलर प्लेटिव इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मार्क्स ऑफ इंडिया विद नो डाउट इट विल बी करेक्ट द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लाटिव इज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट रॉन्ग है वेस्ट टू ईस्ट रहता है तभी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है मोस्टली रिवर्स ऐसे याद रखो ना वेस्ट टू ईस्ट मोस्टली मोस्टली रिवर्स फ्लो करती है मान नदी गोदावरी कृष्णा कावेरी वह गई तो वेस्ट टू ईस्ट ही होगा आंसर ये ऑप्शन गलत होगा

मजे लेते हैं वो लोग अच्छा मजे लेते हैं चलो तो यहाँ पे शैलो सी एट माउथ ऑफ रिवर लॉन्ग रिवर हाई रोजन इन देशमेंट एरिया ऑफ द रिवर अब पूछ रहा है कि डेल्टा फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है तो भाई डेल्टा कहाँ बनता है डेल्टा कोस्ट बनता है ये है कौन बनाती है रिवर बनाती है पहला चीज क्या है शैलो सी एट द माउथ ऑफ रिवर शैलो होना चाहिए ये सही है क्यों क्योंकि शैलो शैलो का मतलब है कम गहरा जा, इसका ऑपोजिट क्या होगा ज्यादा गहरा ज्यादा गहरा गहराएगा तो जो भी यहाँ से सेडिमेंट अवसाद लेके आ रही है नदी वो तो यहीं पे पटक देगी डेल्टा बनेगा ही नहीं वो तो शैलो होना चाहिए ना तभी तो बिखरेगा लॉन्ग रिवर होनी चाहिए अरे लॉन्ग कोर्स होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा से सेडिमेंट लेके आएगी अब क्यों सुंदरबन डेल्टा इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बिकॉज गंगा माइटी रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र माइटी ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ से आ रही है बड़ी दूर से आ रही है अब तुम क्या एक्सपेक्ट करो मंडोवी और जुआरी डेल्टा बनाएंगी क्या हाँ? एक तो ऊपर से ये कैसा कोस्ट है रिट्रीटिंग कोस्ट है है कि नहीं रिट्रीटिंग कोस्ट वेस्टर्न जो आपका आ, कोस्टल प्लेन है ऊपर से छोटा छोटा इनका कोर्स है मतलब रास्ता है तो ये इनसे तो आ, आ, आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते जितना लंबा आएगी उतना ही ज्यादा मटेरियल लेके आएगी हायर इरोजन अरे भाई मटेरियल कहाँ से आ रही है पैदा तो कर नहीं रही है मटेरियल तोड़ फोड़ के जो मिल रहा है उसी को लेके आ रही है तो जितना इरोजन करेगी उतना सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी वन टू थ्री ठीक है तो ये तीनों चीजों में ध्यान रखना और एक चीज और है कि वर्टिकल यहां पे वर्टिकल इरोजन नहीं होना चाहिए एक और चीज होती है यहां पे कि वर्टिकल यहां पे हेडवर्ड मूवमेंट नहीं होना चाहिए वाटर का नहीं तो उससे क्या होगा बहा के ले जाएगा ठीक है अगर पानी का यहां पे हेडवर्ड मूवमेंट होगा तो बहा के ले जाएगा एक चीज ये भी है ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टैंडर्ड मरेडियन ऑफ इंडिया एट्टी टू पॉइंट फाइव डिग्रीज वेस्ट गलत बिकॉज यहां पे ईस्ट होगा स्टैंडर्ड मरेडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू सिक्स स्टेट गलत फाइव स्टेट होगा मौका याद करो मौका एम से महाराष्ट्र नहीं एम पी मध्य प्रदेश ओ से उड़ीसा यू से यूपी सी से छत्तीसगढ़ ए से आंध्रा और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों मिलते हैं चाय बागान टाइम एंड इन फॉर्मल प्लेस सॉरी इन सॉरी इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉलोड इन टी गार्डन्स इन असम इज टू आवर्स अहेड ऑफ आई एस टी अब असम में प्रैक्टिस होती मान लेते हैं सही है तुम बोल रहे हो असम कुछ असम मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है असम यहाँ पे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कुछ यहाँ पे होगा ये क्या दो घंटे का डिफरेंस होगा इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम्हें पता भी होगा वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट में दो घंटे का डिफरेंस है यहाँ इतने लाट, इतने बड़े लॉन्गिट्यूड तीस डिग्री के लॉन्गिट्यूड में तो यहाँ भी दो घंटे का कैसे हो सकता है पॉसिबल कैसे है तकरीबन ये एक घंटे का डिफरेंस होता है जब यहां से यहां दो घंटे का है तो यहाँ से यहाँ दो घंटे कैसे हो जाएगा गलत हुआ ना तो ये भी गलत हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नन विद रेफरेंस टू ड्राउट A period of below normal rainfall does not necessarily result in drought conditions. Extreme जो statement होता है उसका opposite है Generalized statement है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको गलत कर रही है Hydrological drought पहले भी मैं बता चुका hu जहाँ पे जो आपका ग्राउंड वाटर है या फिर reservoirs है वहाँ से पानी खत्म हो जाए water टेबल से रिप्लेनिश कर जाए दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तो ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू है ना पढ़ा था हम लोगों ने पिछली बार दिस सनलाइट डज नॉट पेनेट्रेट इन टू दिस एरिया ऑफ द ओशन दिस इज ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर आस बस बट ये मेनली आपका एनवायरमेंट सेक्शन से बिलोंग करता ही है ये कॉन्सेप्ट ठीक है लेडी ऑर्गी फिफ्टी कर्टीज सही है सर ये क्या मैं क्या डाउट है सर ये कैशमेंट एरिया क्या होता है ले हो. रामायण खत्म हुए बोल रहे हैं सीता कौन है कैशमेंट एरिया ये ये रिवर है इसका ये आपका मान लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी उसकी ट्रिब्यूटरी ये इसकी मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे गंगा की हुगली है ये ट्रिब्यूटरी है ये उसकी ट्रिब्यूटरी है तो पूरा जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कैशमेंट एरिया ठीक चलो तो द सन लाइट डज नॉट पेनेट्रेट इन टू दिस एरिया ऑफ दिस ओशन तो यहाँ पे नहीं जा पाती है एक्चुअली जो ओशन होता है ना उसके डिफरेंट जोन्स होते हैं ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में पढ़ाया जाता है बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे यहीं पे चलो समझते हैं ये मान लेते हैं कि ओशन है आपका ठीक है यहाँ पे ऑब्जर्व करना तो इसका जो सबसे ऊपर जोन होगा दैट इज कॉल्ड यूफोटिक जोन यूफोटिक, यहां पे डायरेक्ट सनलाइट देखने को मिलेगी फिर आता है मिलेगी और अगर सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तो यहां पर फाइटो की ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी फाइटो की ग्रोथ भी होगी ठीक ये डिस्पोटिक और इसके नीचे ये जोन जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिया है सनलाइट डज नॉट पेंट्रेट हम्म ठीक तो ये ये जो आपका तीसरा वाला होगा दैट विल बी ए फोर्टिक ठीक है आपका सबसे ऊपर है यू फोर्टिक देन आपका डिस्टिक एंड सबसे जो नीचे आप बोल सकते हो मतलब जहां सनलाइट नहीं पहुंचती है दैट इज ए फोर्टिक समझिए आप तो सबसे ऊपर वाला ध्यान रखना है यू फोर्टिक जहाँ पे सनलाइट दबा के पहुंचती है ठीक फिर फिफ्टी पे आते हैं फिफ्टी है विद रेफरेंस टू सोयल इरोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गली इरोजनस आर कॉमनली फाउंड ऑन ड्राई एंड एडिड लेवल लैंड शीट इरोजन इज कॉमनली ऑन स्टीप स्लोप्स अगेन इसने क्या किया रिवर्स कर दिया एक और क्वेश्चन हमने देखा था याद करो गली और शीट इरोजन पर जहां पे इसने चीजों को रिवर्स कर दिया था यहां पे कर दिया तुम गली में बस सिंपल याद रखो चंबल के रवाइंस तुम चंबल के बस रवाइंस या फिर बैड लैंड टोपोग्राफी को याद रखो एंड दैट सेट शीट इरोजन वहां पर होगा जहां पर फ्लैट टेबल लैंड होगी जहां से बाढ़ का पानी क्या करेगा शीट पूरी परत की परत हटा के ले जाएगा गली तो वहां पे होगा ना जहां गली क्रिएट होंगे जहां पे स्टीप स्लोप होगी तो ये दोनों को क्या एक तरह से रिवर्स कर दिया गली रोजन कहां देखने को मिलता है चंबल के रवाइंस में बैड लैंड टोपोग्राफी क्रिएट होती है और थर्ड यहाँ पे रवाइंस इन इंडिया आर फाउंड इन मध्य प्रदेश अब ये सही है क्यों बिकॉज मुझे पता था कि जैसे मेरे मामा का घर मध्य प्रदेश में है वहाँ पे चंबल घाटी देखने को मिलती है अगर मध्य प्रदेश में है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में भी हो सकता है हो और ये स्टेटमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ मैंने ऑप्शन नंबर डी मारा थ्री ओनली ठीक अगला है और देखो किसी को ऐसा नहीं पता है अब मान लो कि मैंने मध्य प्रदेश में देखा किसी ने हो सकता है वेस्ट बंगाल में देखा हो किसी ने हो सकता है तमिलनाडु में देखा हो लेकिन ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि, कि किसी ने तीनों स्टेट में हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं पता होगा चाहे कोई भी हो ठीक है बट ऐसे ही आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे इसको सही करना पड़ेगा बिकॉज अगर मध्य प्रदेश में, में रवाइंस हैं और तीनों स्टेट में हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एकदम जीरो रवायस होंगे जीरो रवाइंस होंगे ठीक है दीपोर बिल

टू थर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स वर्ल आर लोकेटेड इन द सर्कम पैसेफिक रीजन सर्कम पैसिफिक जो पैसिफिक बेल्ट मैंने आपको दिखाया था याद करो मैप में चलो मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे होगा भी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये देखो तो यही यहाँ पे कहीं पे आपका ये सरकम पैसिफिक बेल्ट लोकेटेड है ठीक है यहाँ एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ठीक है और उसके बाद क्योंकि यही आप मान सकते हो ठीक है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही आपका पूरा आता है ठीक तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि वट इज द रीजन बिहाइंड इट कि क्यों यहाँ पे बहुत जितने भी यानी सिक्सटी सिक्स परसेंट टू थर्ड का मतलब यही तो हुआ टू थर्ड का मतलब क्या हुआ हंड्रेड से डिवाइड करो हाँ तो वही हुआ ना सिक्सटी सिक्स परसेंट अराउंड तो क्यों यहीं पे पाए जाते हैं सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बनीथ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सही है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक प्लेट एंड द कोकोस प्लेट सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट बनीथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे कोकोस कहाँ पे ये कोकोस है ठीक है कोकोस सबडक्शन किसका बोल रहा है सबडक्शन ऑफ पैसिफिक बिनीथ दॉर्थ अमेरिकन डेफिनेटली सही होगा डेफिनेटली क्यों क्योंकि ये कैसी प्लेट है ये आपकी ओशनिक प्लेट है और ये कैसी प्लेट है कॉन्टिनेंटल है और आपको भी पता है जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल आती है तो ओशनिक सबडेक्ट करती है बिकॉज ओशनिक डेंसर होती है भारी होती है ठीक और यहाँ पे आपकी कोकोस प्लेट ठीक है और ये है आपकी पैसिफिक प्लेट बड़ी सी और ये चीज़ ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में चाहे वो सी डी एस हो एन डी ओ सी ए पी एफ हो कोई भी एग्जाम हो कि आपको पहचानना को दे देगा कि इसमें से कौन सी मेजर प्लेट है कौन सी माइनर है तो ध्यान रखना पैसेफिक जितने भी आपके कॉन्टिनेंटल या फिर जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के नाम पर या फिर बड़े बड़े ओशन के नाम पर पे जैसे पेसेफ़िक प्लेट हो गई ठीक है और आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट हो गई ये सब मेजर प्लेट में आती कैरेबियन प्लेट नाजका कोकोस जुआन दे फूका फ़िलिपींस ठीक है अरेबियन ये सारी माइनर प्लेट हैं जो बड़े बड़े नाम हैं वो मेजर प्लेट समझ लो और जो छोटे छोटे अरेबियन कोकोस नाज़का ये सब माइनर प्लेट में आती हैं ठीक है ये छोड़ दो फिफ्टी नाइन्थ सिक्सटीथ बताओ ये तो चाहिए आपके लिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट थ्रू ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसमें से किससे पास नहीं होती है चिली बोलीविया बोलिगर या फिर मोजाम्बिक कॉमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं भाई आप लोगों के और भाई सेशन को लाइक वाइक कर देना अगर सही लग रहा हो तो है ना कोरल आइलैंड अटोल बिल्कुल चलो तो आंसर क्या होगा आंसर होगा बोलीविया बिकॉज अगर मैं मैप में आपको दिखाने के प्रयास करूँ तो यहाँ पे चलो इसी मैप में देखते हैं पे कंट्रीज के नाम तो लिखे नहीं है फिजिकल मैप है तो ये है आपका चिली लंबा सा देश है यहीं पे अर्जेंटीना है बोलीविया ऊपर पड़ जाता है ये आपके ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन है तो बोलीविया ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ के ठीक है ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन चिली से गुजरती है यहाँ अर्जेंटीना है और यहाँ पे पेरोगे पुरोगे पेगुए जो भी बोलो तो तीन देश है यहाँ पे कौन से तीन देश एक्चुअली में चार देश है एक तो आपका चिली है फिर अर्जेंटीना है ध्यान रखना इस चीज को फिर आपका पुरगवे है पैरगुए और आपका ब्राजील है इन चार से होकर गुजरेगी एंड दिन यहाँ पहुंचेगी नामीबिया जिम्बाब्वे है ना जिम्बाब्वे काफी इस समय थ्रिलिंग मैच खेल रही है पाकिस्तान को थ्रिलिंग में थ्रिल कर दिया और बांग्लादेश के साथ भी कल एकदम लास्ट बॉल पे सस्पेंस बना दिया ना तो नामीबिया बोत्सवाना मजामबिक और मेडगास्कर ठीक है ये है आपका ठीक है तो यहाँ से आपकी पास होती है और यहाँ पे मोजाम्बिक भी है ठीक है नाम्बिया बोतसाना जिम्बाब्वे मोजाम्बिक ठीक है मोजाम्बिक भी है तो इन देशों से पास होती है फिर वहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास निकल जाती है ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है ठीक अब आते हैं ये छोड़ देना करंट से है विद द रेफरेंस टू द अकरेंस ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ सर्फिस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून एंड एंड्रिफिकल फोर्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ टाइड तो मैंने आपको बताया था ये तीन फोर्स होते हैं या फिर दो फोर्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आ, स, सन हो गया ये मून हो गया ये अर्थ हो गई हमारी तो क्या होता है ग्रेविटेशन पुल लगा रही है कौन मून और यहाँ से वो तो डिफरेंट वो तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है ये मैंने एक ओरिएंटेशन ड्रॉ किया है स्प्रिंग टाइड वाला जहाँ पे तीनों एक लाइन में होते हैं और जहाँ पे हाई टाइड बहुत हाई और लो टाइड बहुत लो देखने को मिलती है तो एक्चुअल में होता क्या है इसके नियर का जो वाटर है पानी है वो यहां पे इकट्ठा एक तरह से यहाँ अट्रैक्ट होगा यहाँ से पानी आके तो यहाँ का पानी जाएगा उधर पे तो यहाँ पे लो टाइड बनेगी दोनों साइड और यहाँ पे हाई टाइड बनेगी इस साइड ड्यू टू तो ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन और यहाँ पे हाई टाइड बनेगी ड्यू टू तो ग्रेविटेशन सॉरी सेंट्री फ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ सेंट्री फ्यूगल फोर्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ये रोटेशन की वजह से जनरेट होता है जिसको हम अप बल बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉरी तो है, पहला सही है द इंटेंसिटी ऑफ टाइट्स इज मैगनेई द शेप ऑफ बेज बिल्कुल अगर ऐसा करके शेप है आप याद करो बे ऑफ फंडी, ठीक है बे ऑफ फंडी जहाँ पे सबसे हाइएस्ट टाइड देखने को मिलती है हमें क्योंकि उसका ऐसा बे का शेप ही ऐसा है ठीक है तो दूसरा भी सही होगा यहाँ पे द टाइटल रेंजर्स आर मोर देन एवरेज एट एपी बिल्कुल नहीं यार मोर देन एवरेज हमें देखने को कब मिलेंगी एपिलियन में देखने को मिलेंगे क्या जब दूर होगा जितना ज्यादा पास में होगा उतना ही ज्यादा पुल लगाएगा और पास कब होता है पी फॉर पास पी फॉर पेरी हीलियन राइट तो अगर पेरी हिलियन दिया तो मैं तो सही मान भी लेता लेकिन ये तो गलत होगा और स्प्रिंग टाइड और नीब टाइड में अगेन तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए स्प्रिंग टाइड वाला केस था जहाँ और ये मान लेते हैं मून है ये अर्थ और यहाँ पे सन हो यानी कि तीनों राइट एंगल में है इसको बोलते हैं नीप टाइड या फिर लघु ज्वार बोलते हैं हिंदी में इसको और यहाँ पे हाई टाइड उतनी हाई और लो टाइड उतनी लो नहीं होती है जितनी कि स्प्रिंग टाइड में होती है स्प्रिंग टाइड में तीनों एक ही लाइन पे होते हैं तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी वन एंड टू ओनली इसको कंसीडर द फॉलो रेफरेंस टू बर्चेंस ड्यून्स ट्रांसफर ड्यून ड्यूनफॉर्म बर्चन ड्यूंस लीवर्ड साइड ऑफ ये आपके सी डी एस सी ए पी एफ परस्पेक्टिव से नहीं है ठीक है ये आपका वही जी सी ली सी लॉन्ग में दिया हुआ है तो आपके परस्पेक्टिव से नहीं बट आपको बता देता हूँ एक्चुअल में ये ट्रांसफर ड्यून होगा ठीक है

मास मूवमेंट मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो अदर जियोमोफिक एजेंट ये स्टेटमेंट मैंने ना जाने कितनी बार बोला होगा बोला था क्योंकि तो मुझे पता था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ठीक है तो पहला होगा गलत डेबरी अवलांश इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमिड रीजन सही है याद करो डेबरी अवलांश क्या था ये एक तरह का मास मूवमेंट था कैसा मास मूवमेंट था जरा कॉमेंट बताइए स्लो था या रैपिड था ये वहाँ देखने को मिल रहा था जहाँ पे ह्यूमिड रीजन था जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है और एकदम से ऐसा नैरो पाथ सा पाथ सा बना होता है रास्ता सा एकदम सा यहाँ एकदम से एकदम से यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे कानपुर लैंग्वेज बोलते हैं बौद्धा ठीक है और उसको एक्चुअल में बोलते हैं मलबा थोड़ी सभ्य भाषा में बौद्धा तो हो गया असभ्य भाषा में लेकिन इसको बोलते हैं मलबा ठीक है तो मलबा एकदम से आ जाएगा कहाँ पे एकदम से नीचे उतर के आ जाएगा और हो सकता है कि रोड में आके इकट्ठा हो जाए तो ये डबरी का होता है और ये रैपिड मास मूवमेंट में आता है जिसमें कि आपका अर्थ फ्लो आता है मड फ्लो आता है वही है आपका रैपिड मास मूवमेंट ठीक है और तेज होता है तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा जनरली ह्यूमिड रीजन जहां पे बारिश वारिश ज्यादा होती है वहां पे देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे रैपिड में क्या आता है स्लम्प भी आता है जो एक तरह की लैंडस्लाइड है जहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसका ठीक है रॉक का ठीक है और ये आपको ड्राई एरियाज में देखने को मिलता है मेनली ठीक है आगे बढ़ते हैं ट एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया दैटिकुलर स्लो तो एक ही पड़ा बिल्कुल सोलि फ्लक्शन एकदम से जज्बात बदल देते हैं अच्छा इट इज एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया दैट एक्सटेंड फ्रॉम पाकिस्तान टू बे ऑफ बंगाल इट्स नॉटवर्ड माइग्रेशन रिजल्ट मानसून ऑल ओवर इंडिया नहीं गलत होगा ये साउथवर्ड मूवमेंट जब इसका होता है मानसून ट्रफ का तब यहाँ पे एक्टिव मानसून होता है ना कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट में तो दूसरा गलत होगा पहला सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वन ओनली ठीक है सिक्सटी फाइव का सिक्सटी सिक्स कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई सॉरी इट इज़ अ रीजन ऑफ डिसेंडिंग एयर करेंट्स और विंड डाइवर्जेंस विद एंटीसाइक्लोनिक एक्टिविटीज द एयर इज कम्पेरेटिवली ड्राई एंड विंड्स आर काम एंड लाइट इट इज़ फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज दॉर्स एटीट्यूड्स आसान है क्वेश्चन इक्वेटर तो होगा नहीं बिकॉज या तो डोलड्रामा होते हैं हॉर्स एटीट्यूड तो ऊपर होता है है ना टेम्परेट लो करके तो कुछ पढ़े नहीं थे हम सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो पढ़े थे पोलर हाई पोलर हाई तो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया नहीं पोलर हाई तो ये कुछ ज्यादा ही हाई हो गया इक्वेटर ये हो गया और यहाँ पे हॉर्स एटीट्यूड क्या बताया था तुम्हें अराउंड तीस से लेके थर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ यहीं पे तो रहते हैं हमारे हॉर्स एटीट्यूड तो आंसर क्या होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहीं पे तो आपकी विंड ऐसे करके डिसेंड करती है यहीं पे तो यह है. है? तो यहीं पे तो 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 ये हेडली सेल बनती है 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 ठीक यहीं विंड वो करती ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और यहां से फिर आपकी फेरल सेल चालू होती है सबकोलर लो तक देन आपकी पोलर सेल चालू होती है पोलर हाई तक ठीक आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्कीम कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ अ मॉनसून विद ड्राई विंटर हट जाओ मेरे सामने से ड्राई विंटर कैसे हो सकती है नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आ रहा है रिट्रेटिंग मानसून तो विंटर के टाइम पे आ रहा तो ड्राई कैसे रहेगा यहाँ पे मैंने बताया था ये फीचर होता है कैसा जैसा का मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ना मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वैसा ही यहाँ पे होता है तमिलनाडु में कुछ मेडिटेरेनियन में क्या होता है विंटर्स में बारिश होती है तभी वहाँ से जो जेट स्ट्रीम आती हैं उन हवाओं को जो बारिश कर सकती हैं उनको लेके आती हैं और विंटर्स में जनवरी के टाइम पे बारिश करती हैं जो किस क्रॉप के लिए बेनिफिट करती हैं जरा में बताएंगे तो ऐसे ही तमिलनाडु में देखने को मिलता है ड्राई विंटर नहीं वेट विंटर ठीक है ड्राई विंटर तो बाकी पूरे यहाँ पे आपका पूरा सेंट्रल इंडिया में होगा तो पहला गलत पहला गलत तो ये गया ये गया दो हो गए तो तीन होगा यानी इसमें से दोनों में से एक गलत है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा हैज़ मानसून विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन बिल्कुल शॉर्ट ड्राई सीजन होगा बिकॉज यहाँ भयंकर बारिश होती रहती है और ऊपर से यहाँ पे तो कोस्ट भी है तो दूसरा तो सही होना चाहिए एक्स्ट्रीम वेस्टर्न राजस्थान एज ए सेमी एरेड स्टेपी क्लाइमेट गलत इसलिए है ये बिकॉज एक्सट्रीम राजस्थान में बताया था अरावली है यहाँ पर अरावली और जब ये यहाँ से जो ये मानसून की ब्रांच आती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच तो अरावली इसको रोक लेती हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना वेस्टर्न राजस्थान ये सेमी ड्राई नहीं सेमी एरेड नहीं कम्प्लीटली ड्राई कम्प्लीटली बहुत भयंकर एडिड बहुत भयंकर ड्राई रहता ही है ठीक है इसका ईस्टर्न पार्ट जो होता है अरावली इसका या फिर ईस्टर्न राजस्थान आप बोल सकते हो दैट कैन बी सेट टू बी सेमी एरिड राइट तो यहाँ पे सेकेंड होगा गलत थर्ड होगा रॉन्ग आगे बढ़ते हैं ठीक है जरा आगे कैसे बढ़ सकते हैं जरा ये बताओ कोएप्पन की चर्चा हुई है तो कोएप्पन जरा बता तो दो जरा यहाँ पे तमिलनाडु का क्या कोपन हम बनाएंगे क्या कोड बनेगा तमिलनाडु का जरा बताएंगे और यहां का क्या बनेगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ध्यान रखना बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहाँ का वेस्टर्न राजस्थान का बी क्यों यूज किया बिकॉज ये डेजर्ट है बी हम कभी यूज करते हैं जब प्रेसिपिटेशन को डिनोट करना होता है प्रेसिपिटेशन को ठीक है तो यहाँ पे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ठीक है तो डेजर्ट ठीक है और डब्ल्यू यहाँ पे जो एक डब्ल्यू है वो हमें डेजर्ट के बारे में बता रहा है ठीक और तमिलनाडु का जिन लोगों ने सी एस लिखा है बिल्कुल सही है सॉरी सी एस बोल रहा हूँ यार सी तो टेम्परेट के लिए यूज करते हैं सी एस तो मेडिटेनियन का है सी एस तो मेडिटेनियन का है तमिलनाडु का क्योंकि तमिलनाडु ट्रॉपिकल में भी आता है ट्रॉपिकल एरिया में तो उसका ए एस होगा ठीक है ये तमिलनाडु का होगा या फिर कोरोमंडल कोस्ट का होगा ये रूरल फॉरेस्ट्री फार्म फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट फिर से आ गया इसको तो हम पहले ही कर चुके हैं तो हटा दो इसको मेरी नजरों के सामने आंसर सा इसका डी था वन टू थ्री ठीक अगला क्वेश्चन है ए एस शिवानी मयंग सही है तो इसका क्या बताओ इसका होगा ही हट जाओ, हट जाओ, तीन, तो हो तीन में चेक नहीं करूंगा दूसरे पे आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग स्पाउट कॉन्टिन्यूस हॉट वाटर ना कोई एक्सट्रीम की वर्ड ना कोई डेटा ना कोई फैक्ट तो जनरली मैं मानूंगा सही है यह, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी टू एंड थ्री वन ली ठीक है वैसे इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो आपके सी डी एस सी ए पी एफ एग्जामपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कॉलम ऑफ एटमोसफेयर इज डिडेड इंटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस अब सी लेवल डेंसिटी ऑफ द एयर लगता है फिर से एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा शिवांश जी देखो चले गए शिवाश जी को दिल को काफी ठेस पहुंची मैंने एनर्जी नहीं दिखाई और शिवाश जी चले गए एनर्जी यार कुछ तो करना पड़ेगा तो द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेस अपॉन द डिस्टेंस अब सी लेवल गलत है ना अब हमने ट्रोपोस्फियर बोला मेज़, स्टेटोस्फियर बोला मेजोस्फियर बोला थर्मोस्फियर बोला इसलिए बोला क्या कि वो समुद्र से इतने ऊपर समुद्र से इतने नीचे ना वो तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है तो ये जो सही सी लेवल वाला अब क्लासिफिकेशन है गलत है ठीक है ये गलत है शिवांश गुप्ता है भाई अच्छा है सर है ओहो हो हो शिवान जी अभी है शांति से देख रहे थे देख रहा, देख रहा नहीं हो देख रहे हो ना उधर शिवान जी शांति से देख रहे हैं आंसर वानसर नहीं दे रहे डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज विज इंक्रीजिंग आल्टीट्यूड तो डेंसिटी डिक्रीज होगी क्यों वेपर तो मोस्टली यहीं पे पाए जाएंगे डेंसर गैस अब जो डेंस होगा अपने आप नीचे बैठेगा तो वो मोस्टली ट्रोपोस्फीयर में तो ही होगा क्यों जब ऊपर जाते हो माउंटेन्स हिल्स में तो सांस लेने में दिक्कत होती है वहाँ पे ये साइड डेंसिटी एयर की बहुत कम होती है जिस चीज़ जो ज़्यादा जा, भारी वो नीचे सेटल डाउन करेगा तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी ऊपर बढ़ोगे तो कम होगी तो सही है ये ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर ऑलमोस्ट लगा रहा है मतलब ऑल अगर लिख देता तो मतलब एक्सट्रीम बन जाता लेकिन एक्सट्रीम से बचने के लिए इसने ऑलमोस्ट लगा दिया

इट इज अ रीजन ऑफ एक्सेसिव सी वीड ग्रोथ इन दैसिफिक ओशन तो जो सैरगेसो सी बोला है ना ये कुछ कुछ इसी की तरह है एक्चुअली ये सैरगेसम एक सी वीड है जो ग्रो करती है एटलांटिक ओशन में कहा पे नॉर्थ एटलांटिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में ग्रो करती है जैसे ये आपका मान लेते हैं थोड़ा नीचे जाते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है यहाँ साउथ अमेरिका है यहाँ पे यूरोप है यहाँ अफ्रीका है तो ये जो पार्ट है ना यहाँ घूमता रहता है और यहाँ पे सैर कैसो सी बनता है नॉर्थ अटलांटिक में ठीक चलो तो आंसर क्या होगा इसका दूसरा गलत है इट इज अ मिड ओशनिक रिज द दाइवर्जन प्लेट बाउंड्री बिटवीन कोकोस एंड पेफिक बिल्कुल यहाँ पेफिक है तो यहाँ पे आपकी एक रिज बनती है दैट इज इतना बहुत ज्यादा रिटने की जरूरत नहीं है ये अच्छा क्वेश्चन है है ना सेवेंटी टू नंबर क्रिकेट मैच अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड बिल्कुल सी विदाउट एनी लैंड बॉर्डर बिल्कुल अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड विल स्टार्ट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी हो क्रिकेट मैच होने वाला है साढ़े बारह बजे कहां पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग एट वट टाइम सेम मैच वुड बी सीन लाइव इन कैलिफोर्निया इज वन ट्वेंटी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तुरंत आंसर आना चाहिए कैसे इसको अप्रोच किया था इसको करने का वी नो दैट वी आर फाइव एंड हाफ आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी वॉट इज जीएमटी जीएमटी जीरो और यहां इंडिया है कहीं पे और हम साढ़े पांच घंटे आगे हैं और हम ईस्ट में लोकेटेड हैं ईस्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट राइट तो वेस्ट की बात कर रहा है मतलब मेरे को इधर जाना है कितना जाना है 120 डिग्री वेस्ट है 120 डिग्री वेस्ट है मतलब मुझे 120 डिग्री और जाना है जब मैं इधर से इधर ऐसे ऐसे जाऊंगा ठीक है तो साढ़े पाँच घंटे तो ऐसे ही हो गए मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि एट्टी टू पॉइंट फाइव प्लस वन ट्वेंटी यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है पहले क्योंकि अदर साइड में मुझे पता है जीरो डिग्री और इंडिया के बीच में डिफरेंस है साढ़े पाँच घंटे कोई और लॉन्गिट्यूड देता कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में तो तो मैं माइनस बिगड़ता मैं जब पता है रटा हुआ है मेरे को कि साढ़े घंटे का डिफरेंस है तो मैं साढ़े तो है ही है वो अब यहां पे 120 डिग्री में कितना घंटा अलग बनेगा एक्स्ट्रा बनेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है और सिंपल है अगर 15 डिग्री बराबर एक घंटा ठीक है 60 डिग्री बराबर चार घंटा तो 120 डिग्री बराबर आठ घंटा बोलो घंटा आठ घंटे हुए और साढ़े पाँच घंटे पहले से ही है आठ घंटे और जोड़ दो तो क्यों जोड़े पे जोड़े चला दे रहा हूँ क्यों क्योंकि वेस्टर्न साइड वो हमसे अभी पीछे होंगे हम उनसे आगे हैं इसलिए ठीक है जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड होते हैं वो पीछे होते हैं और जो वेस्ट में लॉन्गीट जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड होते हैं वो आगे होते हैं जो वेस्ट में होते हैं वो पीछे होते हैं तो साढ़े तेरह घंटे क्या कर दो कहाँ का टाइम दिया है इंडिया का टाइम दिया ना तो घटा दो इंडिया का टाइम है तो क्योंकि उतना पीछे है साढ़े बारह घट जाएगा सीधे सीधे बचा कितना एक घंटा बचा साढ़े तेरह घटाना तो साढ़े बारह घट गया एक बचा एक और घटाओ अगर साढ़े बारह घटाओगे सीधे का सीधे तो सीधे बारह बजेगा खुद ही बताओ अगर साढ़े बारह तुमने पूरा साढ़े बारह दोपहर का बजा है तो रात के बारह बज जाएंगे जैसे ही साढ़े बारह हटाओगे रात के रात के बारह बज जाएंगे ठीक एक और हटाना है तो 11 बज जाएंगे रात के पिछला वाला दिन होगा 20 जनवरी ऑप्शन नंबर बी ठीक ये अप्रोच होना चाहिए तो तुरंत करने का अगला बताओ अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स एनकाउंटर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वन मोस्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम इक्वेटर बताओ शिवांश आंसर दे नहीं रहे बेटा है विनोद जैसे <laughs> अभी विनोद दे, देखो आ गया शिवांश ने दिल पे ले लिया बी आंसर आ गया शिवांश का सर यू एस ए वाले कहे देख रहे हैं मैच तो इंग्लैंड से है इंडियन से भाई यू एस ए में रहते हैं तो उन, उनको देखने का हक है ठीक तो बताओ अरेंज द फॉलोइिंग वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स इन दॉन एस आसान है संदीप महेशरी वाला नहीं सच में आसान है ये आसान इसलिए है बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले वाम टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटरानन वेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ रुको तुम्हें याद आनी चाहिए ये चीज़ें ठीक ठीक है तो ये मान लेते हैं ये इक्वेटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 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 अच्छा तुम लोगों ने वो मीम देखा जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की और 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 करती है देखा तो यहाँ पे इक्वेटर है ठीक है और यहाँ पे आपका वार्म टेम्परेट ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो और हुँ, हुँ, ये आपका वार्म टेम्परेट हो जाएगा ये यहाँ तक आप मान लो कि वार्म टेम्परेट है तो इसके वेस्टर्न मार्जिन में हमें क्या देखने को मिलेगा मेडिटरानियन टाइप ईस्टर्न मार्जिन में चाइना टाइप और बीच में पता है क्या देखने को मिलेगा बीच में मेरे स्टेपी टाइप देखने को मिलेगा स्टेपी स्टेपी ठीक फिर ऊपर बढ़ेंगे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलेगा ब्रिटिश टाइप याद करो कोल्ड या फिर कूल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप ठीक और कूल टेपरेट ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियन टाइप क्या बोला था लॉरेंशियन इतना तो याद है ना स्टेपी और यहां बीच में क्या होगा साइबेरियन टाइप और यहां क्या होगा सवाना बोल सकते हो या फिर सुडान टाइप बोल सकते हो है ना सुडान टाइप सवाना टाइप यहां देखने को मिलता है यहां पे क्या देखने को मिलता है मॉनसूनल ठीक समझिए ये क्या है आपका पूरा इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वार्म वार्मेंटर और वार्म वार्मेम्परेट से कूल cool टेम्परेट ठीक है और इसके ऊपर क्या होगा इसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर आर्कटिक होगा अगर नीचे की बात करते है, तो की बात कर हैं तो अंटार्कटिक हो जाता बट ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आर्कटिक जहाँ पे हमें टुंड्रा टाइगा देखने को मिलेगा टाइगा कहाँ पे टाइगा यहाँ पे मतलब टाइगा पूरा ये नीचे और सबसे ऊपर टुंड्रा टुंड्रा एकदम पोल्स पे होता है टैगा उसके नीचे होता है है ना टाइगा का मतलब होता है अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमें इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स सूडान तो सबसे पहले मिलेगा फिर हमें क्या मिलेगा चाइना टाइप मिलेगा वार्म वार्मेम्परेट में देन कूल टेम्परेट में थ्री ब्रिटिश टाइप एंड फोर्थ मिलेगा यहाँ पे टू वन थ्री फोर ऑप्शन नंबर बी ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मेजर वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया अरावली सतपुरा वेस्टर्न घाट्स सर अपनी इंस्टा आई डी शेयर कर दो मैं अच्छे अच्छे मीम भेजूंगा अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लो मीम सर ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है विजयपद स्टूडेंट <laughs> द फॉलोइंग एक्ट एज अ मेजर वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया तो मेजर वाटर डिवाइड कौन सा है अरावली बिल्कुल वाटर डिवाइड है बिकॉज इसके वेस्टर्न साइड से एक रिवर निकलती है लूनी लूनी निकलती है जो कहीं कहाँ पर रन ऑफ कच में जाके खो जाती है क्यों खो जाती है बिकॉज ये कहीं ड्रेन नहीं करती अपना वाटर अरेबियन सी में वहीं लॉस हो जाती है फिर यहाँ पे आपकी कई रिवर है जैसे कि बनास रिवर है जरा कॉमेंट बताएंगे बनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर तो ये वाटर डिवाइड है कि नहीं वॉट इज वाटर डिवाइड वाटर डिवाइड जो वाटर को डिवाइड कर रहा हो ये वाटर को डिवाइड कर रहा है ना ये लोनी के वाट वाटर को और बनास के वाटर को डिवाइड कर रहा है ना तो अरावली सतपुरा की बात करें ऊपर विंध्या नीचे सतपुरा बीच में नर्मदा नीचे तापी तो सतपुरा ये सतपुरा है ना नीचे वाला तो सतपुरा किसको डिवाइड कर रहा है नर्मदा तापी को वेस्टर्न घाट पे आ जाते हैं वेस्टर्न घाट यहाँ से रव रिवर रिवर निकलती बहुत सारी गोदावरी निकलती कृष्णा निकलती कावेरी निकलती निकलती है कि नहीं और यहाँ पे कौन सी है मंडोवी जीवारी वेस्टर्न घाट है उस साइड वो सारी रिवर्स हैं और इस इस साइड वेस्टर्न साइड मंडोवी वाली ये सारी रिवर्स हैं तो ये भी डिवाइड हुआ थर्ड सी ऑप्शन और बनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है चंबल की और क्या ट्रिब्यूटरी है बनास हो गई ठीक है बनास आपकी कहाँ से अरावली से निकलती है और क्या हो गई चंबल की इसकी शिप्रा हो गई ठीक है शिप्रा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की और एक और रिवर है आई थिंक श्राव सरस्वती करके आई थिंक एक रिवर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग सरस्वती है ठीक है सेवेंटी सिक्स पे आते हैं hmm. बताओ दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन पुला चीलमालाई हिल्स इन दी पीर मुडेडू प्लेटिव इन दी वेस्टर्न घाट्स एंड एम्प्टीज इनटू दी विम्बानत लेक देखते ही तुम्हें याद आने चाहिए टेलीग्राम लाइव की क्यों टेलीग्राम लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर तुम्हें याद हो तो याद हो तो तुम्हें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस रिवर ड्रेन इन टू वे एनसीआर में डायरेक्टली लिखा हुआ है तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था वहां मैंने बताया था तो कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है एंड दैट रिवर वॉज पम्बा पम्बा रिवर सर पम्बा तो ही नहीं है पम्पा है तो पम्पा ही होगा क्योंकि उसका नाम पम्पा भी वो है पम्बा भी है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी उसने तो हिंट दिए हैं अगर उससे ना समझ पाओ तो बाकी उससे समझ जाओ सबरीमाला टेम्पल इसी के इसी के और लोकेटेड सबरीमानला टेम्पल जो एक समय काफ़ी न्यूज़ में था ट्वेंटी नाइनटीन के टाइम पर बिकॉज इसमें विमेन की एंट्री को अलाउ कर दिया गया था और पहले नहीं अलाउड था ठीक है बिल्कुल सरस्वती पम्बा अम्बाला गंगा एंड सिंध ठीक है दक्षिण भागीरथी बोलते हैं इसको दक्षिण गंगोत्री किसको बोलते हैं ज़रा कमेंट बताओ तो पम्बा रिवर होगा पेरियार लाइफ लाइन ऑफ केरला भरत फूजा भी है यहीं पे वेस्टर्न फ्लोइंग है दोनों पेरियार और भरत फूजा पेन्नर रिवर कहाँ फ्लो करती है कोई बताएगा पेन्नर पेन्नर कहाँ फ्लो करती है

लेकिन जो पेरिनियल लोग होते हैं इंटरनल मोटिवेशन वाले होते हैं ये हमेशा चाहे मोटिवेशन ऊपर से मिल जाएगा तो और पढ़ाई हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी पे डिपेंडेंट है जैसे कि ये क्या है सीजनल वाली मानसून पे डिपेंडेंट है और ये क्या है ग्लेशियर से इनका मेन सोर्स है वो आ जाएगा तो बोन ऐसे उनके लिए वो तो ठीक कौन सी ऐसी रिवर है साउथ इंडिया की पेनिसुलर रिवर है जिसमें हमेशा पानी रहता है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं पेरेनियल ही है वो कौन सी रिवर है आंसर गोदावरी बिल्कुल आंध्र प्रदेश की इंडिपेंडेंट रिवर है मैं दिमा सही है अनलाइक दुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स आर ओल्ड विद ग्रेडेड प्रोफाइल गलत है गलत है ना हिमालयन रिवर्स का ओल्ड एंड ग्रेडेड प्रोफाइल नहीं उल्टा है पेनिंसुलर का ओल्ड एंड ग्रेडेड प्रोफाइल है हिमालय खुद नए हैं तो उनकी नदियां भी नई हैं यंग हैं काफी भयंकर वेलोसिटी से फो करती हैं दूसरा हमने आई थिंक नहीं किया अभी पेनिसुलर रिवर शिफ्ट देयर कोर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन द हिमालयन रिवर गलत है शिफ्टिंग कोर्स के लिए कौन जाना जाता है याद करो कोसी सौर ऑफ बिहार ठीक और इनको कोर्स के लिए इसलिए भी जाना जाएगा बिकॉज ये वास्ट प्लेन में फ्लो कर रही मैं अंडर करते हुए ऐसे मटकती हुई चल रही लेकिन ये पेनिस्ल याद करो नर्मदा तापी तापी दामोदर ये तो बेचारे रिफ्ट वाली में फ्लो कर रही हैं कहाँ से शिफ्ट करेंगी कोर्स उनको वहीं बहना पड़ेगा ठीक है बस उससे रिकॉल करो तो दूसरा गलत हुआ पहला सही ऑप्शन नंबर सी वन ओनली कावेरी बिल्कुल कावेरी एक ऐसी पेनेसलर रिवर है जिसमें हमेशा पानी रहता है एंड रीजन ये है कि बिकॉज जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वहाँ से भी इसको पानी मिल गया और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आया ऐसे करके कोरोमंडल को में तब भी पानी मिल गया ठीक है तो गर्मियों में भी पानी सर्दियों में पानी द की एजेंट इवाल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉम्स लाइक इंसलबर्स यादांग एंड ज्यूगन इज रिवर विंड आइस एंड वेव्स हम लोगों ने यादांग और ज्यूगन नहीं पढ़ा है बट इंसलबर तो पढ़ा था ना इंसलबर क्या है रॉप टॉप uh, ऐसे राउंडेड टाइप माउंटेन डेजर्ट्स में देखने को मिलता है डेजर्ट में कौन सा फीचर काम करता है विंड के इरोजन और डिपोजिशनल फीचर काम करते हैं वॉट आर यारदांग एंड ज्यूगेन वॉट आर यारदांग एंड ज्यूगन ये भी देख लेते हैं एक सेकेंड रुको तो जरा। जरादांग और ज्यूगेन क्या है तो यारदांग ऐसे याद रखो दांग है ऐसे हिल मतलब ऐसे रेजस लेपीज याद करो ग्लेशियर जो आपकी अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म है इरोशनल लैंडफॉर्म अंडरग्राउंड तो वैसे ही जैसे लेपीज याद है ना बस लेपीज के टाइप ही ऐसे रेजिस टाइप बन जाएंगी ऐसे पतली 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 तो हो गया क्या हो गया यारदांग इंसल बर्ड तो जानते ही हो ऐसे रॉप टाउन ऐसे माउंटेन बन गया ज्यूगन क्या होता है ये क्या हुआ ज्यूगन ज्यूगन ऐसे ऐसे बन जाता है टैबलेट के शेप का कैप्सूल का शेप का ऐसा होता है ज्यूगन ठीक है ये होता है इंसेलबर्ग ठीक समझ गया तीनों में डिफरेंस क्या है तीनों ही आपके डेजर्ट में क्रिएट होते हैं ठीक और विंड के डिपोजिशनल फीचर क्या है क्या है बर्चन है सैंड ड्यून्स ये सारे क्या है इसके डिपोजिशनल फीचर्स हैं हु द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन कमिंग सोलर रिसीड बाई तो जो इंसोलेशन है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है अच्छा शिवान जी बताएंगे डाउन तो नहीं हो रही है न जी बताएंगे कोशिश बिहार पहला क्वेश्चन जो मुझे आया अच्छा चलो तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव बाई द अर्थ नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड तो जैसे ही लैटिट्यूड इंक्रीज होगा ऊपर लैटिट्यूड में जाओगे इंसोलेशन जो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी गलत है कि नहीं ऊपर तो और कम इंसुलेशन रहता है ना लेटीट्यूड में जाने में स्लैंटिंग रेज रहती हैं जैसे ऊपर जाओगे तिरछी टेढ़ी लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेज रहती हैं कहाँ पे इक्वेटर के पास में तो पहला हुआ गलत द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर कॉजेज वेरिएशन इन इंसुलेशन डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटॉसफियर बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है सही होगा डिग्री ऑफ़ ट्रांसपेरेंसी अब जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा ओपेक रहेगा तो वो जो इंसुलेशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वैसे रिफ्लेक्ट तो होना ही है उस जब रिफ्लेक्ट अर्थ के थ्रू होगा तो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे लेकिन अगर पहले ही उसको एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेगा तो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा अर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं तो टू ओनली आंसर होगा इसका ठीक है एटीथ नंबर वॉट वुड बी दानसिक्वेंसिस ऑफ द अर्थ एक्सिस वो पर्पेंडिकुलर द्लेन ऑफ ऑर्बिट सिंपल पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी झुकी ना हुई होती तो क्या होता झुकी ना होती तो ऐसा होता जो ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री जो टिल्टेड है वो टिल्ट ना होता यही तो हो रहा है ठीक है तो क्या होता इक्वल डे एंड नाइट होता बिल्कुल नो अकरेंस ऑफ सीजन सीजन क्यों होते हैं दो कारणों की वजह से एक तो रेवोल्यूशन जो परिक्रमण कर रही है हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड और दूस, जो, दूसरा जो उसको टिल्ट है ठीक है तो इसकी वजह से सीजन हो रहे हैं तो वो भी नहीं होगा डे ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ आर्टिक्कटिक नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सिक्स मंथ्स का कांटिन्यूस डे लाइट और सिक्स मंथ्स का कॉन्टिन्यूस नाइट रहता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो हो जाएगा तो ट्वेंटी फोर आवर्स का हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी वन एंड टू ओनली एटी एथ का एट्टी वन ये मैडन जूलियन आइसोलेशन इसको स्किप ही कर दो ज़्यादा सही है ठीक है आपके सी डी एस और सी ए पी परसपेक्टि इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक जैसे सदन ऑसोलेशन पढ़ा था ना वैसे ही टाइप है आइसोलेशन होता है यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का अलिनो लालिनो का इफेक्ट करता है खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगला है एटी टू नंबर विच एम फॉलोइ इज करेक्ट अबाउट लेटराइट इन इंडिया लेटर राइट आर फाउंड ओनली नॉर्थ ओनली वर्ड आ गया एक्सट्रीम की वर्ड आ गया दिमाग की घंटी बजनी चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिर्फ मतलब की अगर साउथ इंडिया में यहाँ कहीं पाया ही नहीं जाता अगर जरा सा भी मिल गया तो अपने आप ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दे आर नॉट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स मतलब कि ट्री क्रॉप्स के लिए सूटेबल ही नहीं मान लो कि थोड़े किसी ट्री क्रॉप के लिए सूटेबल हो गया तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया दिस सॉयल एंड बिकम स्टिकी एंड वैन वेट एंड श्रिंक वेन ड्राइड यानी कि जब नमी होती है तो फूल जाती हैं चिपचिपी हो जाती हैं और जब सूखी होती हैं ड्राई होती हैं तो टूट जाती हैं दिस इज सेल्फ प्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स का जुताई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एंड दिस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज बताएंगे जरा कमेंट में दे डेवलप इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है तभी तो इसको लेटर right बोलते हैं बिकॉज एल एल फॉर फॉर एंड ऑल लीचिंग किसकी लीचिंग होती है लाइम और सिलिका की लाइम एंड सिलिका गेट्स लीच डी थर्ड सागर प्रोफेक्चर नगोर नषण चार आईलैंड बताओ तो भाषण चार जो है ये आपका बांग्लादेश में है ठीक है है एक्स्ट्रा तो पढ़ लेते हैं बाई चांस मान लो आ गया सी में बाई चांस क्या आ ही सकता है कोई वो थोड़ी ना कोई ऐसा है नहीं कि कॉमर्स का कोई क्वेश्चन आ गया है ना तो ये पता होना चाहिए जैसे ना होता है कि तो अगर कोई नई चीज़ मिलती तो सर्च किया करो उसको ऐसा नहीं कि सर ने तो पढ़ा ही नहीं था ये तो ये हम करेंगे कैसे ठीक तो बांग्लादेश में भाषण चार ही ले तो गलत गलत दो पहला तो सही होगा ही होगा दूसरा सही है कि नहीं नगोर्नो काराबाख साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट मतलब फिलिपीन इंडोनेशिया में वहां पे ऐसे नेम होंगे क्या नगोर्नो कराबाक वहां तो चिंग पिंग टाइप नाम होंगे नगोर्नो कराबाक ही कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तजिकिस्तान इस ये जो सेंट्रल एशिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना नगोरनो कारबाक और ये आपका एजरपाईजान में है ठीक है एजर पाईजान दूसरा वो गलत एंड द आंसर वुड बी दूसरा वो गलत दूसरा वो गलत ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट काशकार परफ्रक्चर आपका सॉरी प्रीफेक्चर आपका चाइना में है कास्ट टोपोग्रफी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है हाईली फ्रैक्चर्ड और फोल्डेड लाइम स्टोन बेट्स इज इस वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स डेवलपमेंट हाईली फ्रैक्चर एंड फोल्डेड लाइमस्टोन बिल्कुल कास्ट टोपोग्राफी जानी जाती जो लाइम स्टोन डोलामाइट याद करो डोलोमाइट लाइमस्टोन जिप्सम है ना तो ये आपके जो रीजन्स होते हैं दैट बिलोंग टू कार्स्टोग्राफी

और जब दोनों मिल जाते हैं तो बनते हैं पिलर्स यही तो, हैं तो यह है, है, है? यह है डिपोजिशनल के पास तो इसलिए बोलते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे नेशनल पार्क दिया है, यहाँ पे रिवर दिया आपको मैच करना है आठ बजते ही पता नहीं क्या हो जाता है एक चंद्रकांता शो आता था बहुत पहले उसमें पता नहीं देखते थे कुछ अमावस की रात को एक बंदा था चंद्रकांता ही था क्या भालू में कन्वर्ट हो जाता था वो है ना भालू में अजीब से पता नहीं क्या उसमें जानवर टाइप बन जाता था वैसे तुम लोग को लगता है तुम लोग ऐसे आठ बजे तो भालू टाइप ऐसे बन जाते हो और तुम लोग गुम हो जाते हो ऐसा लगता है इधर पाई है आर्मीनिया बिल्कुल तो जिम कॉर्बेट गंगा रिवर पे है पन्ना टाइगर रिजर्व केन में है और पेन वैली स्पिति और नामेरी दिब्रू जिम कॉर्बेट गंगा नहीं होगा जिम कॉर्बेट राम गंगा तभी तो इसका राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया नया नाम या फिर आई थिंक राम गंगा रखे जाने की बात चल रही तो राम गंगा जिम कॉर्बेट राम गंगा के किनारे और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना किसके लिए जाना जाता है डायमंड्स के लिए एम में है यहाँ पर आए दिन किसी न किसी को हीरा मिलता रहता कोई पता चला किसी काम से गया था नदी में अब नदी किनारे लोग कई काम से जाते हैं तो हीरा मिल गया उनको कोई खोद ओदर है कुछ तो हीरा मिल गया तो ये पन्ना में काफ़ी मिलता है ये केन रिवर किनारे बिल्कुल सही है है केन किसकी ट्रिब्यूटरी है जरा बताएंगे सिंध बेतवा केन याद करो पिन वैली पिन वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में ठीक है और स्पीति वैली के किनारे बिल्कुल सही है स्पीति जास्कर शो किसकी ट्रिब्यूटरी जरा बताएंगे कमेंट में ना मेरी टाइगर रिजर्व ना मेरी ना तेरी असम में ये कहाँ पे असम में और डिब्रू रिवर नहीं ये मानस रिवर जो और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है मेरी एनर्जी देखो कितनी डाउन हो गई शिवांश काफ़ी गुस्सा हो रहा होगा है ना तो फोर्थ यहाँ पे क्या होगा गलत होगा तो टू एंड थ्री ऑप्शन नंबर बी ठीक है और केन है आपकी सिंध बेतवा केन यमुना ठीक है और स्पीति तो आपको पता ही होगा इंडस ठीक ये सर अभी वायरल हुआ था क्या वायरल हुआ था कुछ वायरल हुआ था क्या डायमंड डायमंड वाला सर एनर्जी ड्रिंक भिजवाओ बहुत एनर्जी डाउन डाउन हो रही है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं सहायक नदी कौन सी नहीं ये कैसे याद करवाया था आखिरी में नी और ती होगा तो ट्रिब्यूटरी होगी कावेरी की लेकिन एक एक्सेप्शन भी था और एक्सेप्शन क्या था अपवाद क्या था इंद्रावती याद करवाए थे कि अगर ती और नी होगा लास्ट में तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी लेकिन एक्सेप्शन अपवाद है इंद्रावती जो कि गोदावरी की, की ट्रिब्यूटरी है जो कि छत्तीसगढ़ की, की मेन रिवर है और इसकी कावेरी की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं तो भवानी कबी है नी आखिर में नी नी ती 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 ठीक और कृष्णा को तो याद है है ना कृष्णा के भीम तू मौसी को लेके घाट पे जा और किसको रिसीव कर अरे अरेंज द फॉलोइंग रामसार साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू तो वेस्ट एक सेकेंड सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पे होगा ऑब्वियसली बात है वेस्ट वे, आ, वेस्ट बंगाल में होगा कोलेरू तुम्हें पता है आंध्र प्रदेश में है रुद्र सागर तुम्हें नहीं पता है तुम पता कर लो त्रिपुरा में है और कंवरताल ताल आई थिंक बिहार में ठीक है बिहार में ठीक तो यहाँ पे क्या होगा ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है ना तो सुंदरबन त्रिपुरा त्रिपुरा सबसे ईस्ट में होगा ना त्रिपुरा मिजोरम याद करो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो टू वन ईस्ट तो से वेस्ट पूछ रहा है ना तो टू वन फिर क्या आएगा टू के बाद वन आएगा उसके बाद ताल बिहार में थ्री और फोर टू वन थ्री फोर ऑप्शन नंबर बी हाँ भेजा है रेडबुल अच्छा सर आज भी लैंडस्केप कर दिए हो क्या नहीं यार आज तो स्किप नहीं किया तो दबाग का है, आ, चलो इसका बताओ the oceanic, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना ही आसान होता है जैसे वो था ना टाइम कैलकुलेट करने वाला वैसे ये कुछ the oceanic रिलीफ feature इज regarded as अ पार्ट ऑफ the continent submerged ड्यू टू राइज इन सी लेवल ठीक है देखो इसको बार बार देखो ड्यू टू दियर शेलोनेस शेलोनेस अगेन शेलोनेस को देखो देशन ऑफ सनलाइट मेक्स दिस एरिया प्लैंट रिच तो इसी वजह से समझे यू फोर्टिक जोन में क्यों भयंकर Plankton, -plankton था आ रही थी एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ माइन्यूट प्लांट्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होगा शेल्फ प्लेन क्या होगा शेल्फ आती है जहां पे एकदम बस थोड़ा सा ढलना चालू हुआ जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है, है, है उसमें क्या थोड़ा पानी आ गया है तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया स्लोप तुरंत डीप स्लोप देखने को मिलेगी बहुत भयंकर ग्रेडियंट फिर क्या चालू होगा डीप सी प्लेन जहां प्लेन और रेज, ट्रेंच ये सब देखने को मिलेगा क्या है सब कॉन्टिनेंट सब टू लेवल थोड़ा सा सी लेवल बढ़ गया तो कॉन्टिनेंट डूब गया मतलब किनारे की बात कर रहा है फिशिंग तुम करने कहाँ जाते हो एकदम बीच समुद्र में जाते हो क्या गड्ढो में जाके किनारों में तो फिशिंग होती है तो आंसर क्या होगा शेल्फ सी ठीक सर इतने में तो हम विजयपत वालों का इंग्लिश का अनसीन पैसेज होता है चलो अनसीन पैसेज अपना यहाँ से क्लियर करते रहो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेलग माइट अगेन ऑफ स्टेलग माइट आ गए कैसे याद करा था स्टेलग टाइट क्यों टाइट है ये जो सीलिंग से लटके हुए क्योंकि इनको टाइटली पकड़ना पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लग रहा है तो इनको टाइटली पकड़ना पड़ेगा तो इसलिए स्टेल टाइट जो सीलिंग से राइज कर रहे हैं स्टेलग माइट जो ऊपर से उठ रहे हैं तो स्टेलग माइट आर अपवर्ड ग्रोइंग माउंट तोवर्ड ग्रोइंग है बिल्कुल सही है ठीक है मिनरल डिपॉजिट दैट हैव प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग इनटू तो जो अभी मिनरल लाइमस्टोनिक रीजन में ही लाइमस्टोन डोलोमाइट जिप्सम इसी रॉक में तो बनते हैं अंडरग्राउंड जो आपका ग्राउंड वाटर के फीचर्स होते हैं क्यों बिकॉज ये ग्राउंड वाटर इन मिनरल को डिजोल्व कर लेता है और डिजोल्व होने के बाद पानी उड़ जाता है और मिनरल ऐसे चपक जाता है सीलिंग में या फिर उठ जाता है ड्रॉप होने के बाद सीलिंग से

सर्फे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज हायर एंड डेंसर मटेरियल याद करो पी वेव्स तीनों में ट्रैवल करती हैं सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज्यादा सॉलिड में देन लिक्विड में देन गैस में ठीक है दे रिजेंबर लाइक साउंड वेव पी वेव रिजम्बर लाइक साउंड वेव्स पी वेव्स क्रिएट व्हाट दे क्रिएट क्रिस्ट सॉरी एंड ट्रफ तो आपकी एस वेव क्रिएट करती हैं दे क्रिएट स्क्वीज स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग जिस भी मटेरियल से पास होती है उसमें स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग क्रिएट करती हैं कंप्रेशन और रेयर फैक्शन डेवलप करती हैं कंप्रेशन और रेयर फैक्शन डेवलप करती हैं सब कुछ पी के बता रहा हूँ ना जाने कितनी बार हम लोग कर चुके हैं ठीक है थीके? तो ऑप्शन नंबर डी वन टू थ्री ये तो किसी को एकदम पूछना ही नहीं चाहिए एकदम ठीक है विद रेफरेंस टू प्रोकेशन ऑफ सीस्मिक वेव्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेशन ऑफ़ द वेव्स चेंजेस अक्रॉस मटीरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज याद करो जब पी वेव्स पास करवाई थी सॉलिड से तो अच्छे से पास हो रही थी लेकिन जैसे ही लिक्विड आया था थोड़ा सा आउटर कोर आया था पूरा लिक्विड था तो ऐसे हो गई थी ये ऐसे हो गई थी तो इन्होंने क्या किया डायरेक्शन तो ये था डायरेक्शन को कर लिया चेंज क्यों क्योंकि हो गया मटीरियल चेंज डेंसिटी हो गई चेंज तो यहाँ पे पहला सही हुआ पी वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू दी कोर क्यों भाई पी वेव्स तो तीनों से ट्रैवल कर रही थी क्योंकि वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है लिक्विड में भी और गैस में भी गैस तो वैसे है नहीं बट फिर भी दूसरा सही होगा मतलब गलत होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि कोर से ट्रैवल ही नहीं कर सकती है एस वेव नहीं ट्रैवल करती है लिक्विड से बिकॉज वो सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकती है एस वेव ठीक द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज लार्जर लार्जर नहीं बहुत लार्जर होता है फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल अर्थ सरफेस एरिया रहता है इसका शेडो जोन ठीक है चलो मैं रिवाइज करवाता हूँ शेडो जोन तुमको ठीक है ये क्या हुआ ये क्रस्ट है ठीक है क्रस्ट तक गया मेंटल में भी गया ये क्या है कोर है यहां पे ठीक है तो कोर से पहले रुको जरा ठीक है कोर बना दिया तो ये ऐसे गया क्रस्ट से फिर मेंटल से कोर से जब जाएगा तो पी वेव का कुछ हाल ऐसा हो जाएगा ठीक है ऐसा ठीक है यहां से डायरेक्टली ऐसे जाएगा डायरेक्टली ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे 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 पी वेव जो है पास करती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत तो थोड़ी सी यहां पे आती है थोड़ी सी आती है ऐसा नहीं कि पास नहीं होंगी तो ये जो रीजन होता है 104 डिग्री से लेके 140 तक ये 104 से लेके 145 आई थिंक है ना 45 45 डिग्री तक ये होता है शेडो जोन ऑफ पी वेव एस वेव का क्या हाल होता है एस वेव बस ऐसे ही ऐसे पास होती हैं। अब क्योंकि यहां पे कोर में तो आउटर कोर तो लिक्विड है और लिक्विड से पास होती नहीं तो पूरा ये कितना फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया पूरा का पूरा शेडो जोन बन जाता है इनका ठीक इतनी चीज क्लियर तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी वन एंड थ्री ओनली नाइनटी भी हुआ नाइनटी पे आते हैं नीति वैली हिमाचल डिजोक् वैली उत्तराखंड अराकू वैली आंध्र प्रदेश तो नीति पास पड़े थे नीति माना लिपू लेख तीन दर्रे पड़े थे कहां पे थे उत्तराखंड में तो नीति वैली उत्तराखंड में ना कि हिमाचल में डिजोकू वैली उत्तराखंड में तुम्हें लगता है डुजोकू टाइप नाम उत्तराखंड में होंगे हम्म राम नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क राम राम हर चीज में हो रहा है डुजोकू कहां से आ गया भाई है डुजोको थोड़ी ना होगा डिजोक् तो ऐसा लग रहा है नॉर्थ ईस्टर्न का नाम है और बिल्कुल आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग नागालैंड के पास में अरुणाचल और नागालैंड के बॉर्डर में है ये दिज़ोकु वाली तो दूसरा हुआ गलत पहला भी था क्या गलत अराकू सही है अगेन वही सेम चीज लागू हुई कि मैचिंग वाले में वो तो ओनली ऑल वाला ऑल तो था ही नहीं इसमें थर्ड ओनली सही होगा ठीक 96 हूं 96 ये हिल्स पे अगेन ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था वैसे पढ़ना भी नहीं है इतना डीप नहीं जाने की जरूरत है ठीक है लोशाई हिल्स थोड़ा सही है मिजोरम वाला और आंसर इसका टू ओनली होगा बस लोशाई याद रखो ये ट्राइब का नाम भी है लोशाई ट्राइब मिजोरम में पाई जाती बस ठीक है। सब मरीन कैनियन छोड़ो यार इन सबको इतना डीप में नहीं आता बट फिर मैं में करवाता हूँ आर एबसेंट नियर दी माउथ ऑफ रिवर एक्सट्रीम की वर्ड है आर एबसेंट कंप्लीटली एबसेंट थोड़ा भी अगर मिल गया माउथ ऑफ़ रिवर में तो गलत हो जाएगा गलत है दी एबसेंस ऑफ सब मरीन कैनियंस इज अ यूनिक फीचर ऑफ द बे ऑफ बंगाल एबसेंस ऑफ सब मरीन कैन इज अक फ्यूचर ऑफ बी ऑफ बंगाल मेरे अकॉर्डिंग ये भी गलत है तो और यहाँ पे आंसर होगा डी नीदर वन नॉट टू नाइनटी एट पे आते हैं विद रेफरेंस टू अंडमान निकोबार गलत कौन सा है नॉट करेक्ट दीज आईलैंड एक्सटेंशन ऑफ अराकान बिल्कुल ये आपके हिमालय है और हिमालय को म्यांमार में, में अराकान्यूमा बोलते हैं सममर्ज हो जाते हैं समुद्र में हैं। और फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में एमर्ज होते हैं तभी हम बोलते हैं कि जो लक्षदीप ग्रुप ऑफ आईलैंड है दे आर कोरल आइलैंड और ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड मेनली जो एक्सटेंशन है हिमालय का वो है ये योमा हिल्स का अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई कोरल आइलैंड होगा नहीं कोरल coral भी भी होते हैं बट मेनली एक्सटेंशन है उसका तो पहला सही है दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन तो हुई दीज आइलैंड कंटेन दी ओनली एक्टिव वॉलकैनो इन इंडिया बिल्कुल दी ओनली एक्टिव वॉलकैन ऑफ इंडिया इज बैरन विच इज सिचुएटेड बिटवीन मिडिल एंड साउथ अंडमान एंड दी ओनली डॉमेंट वेलकैनो ऑफ इंडिया इज नारकोंडम

In in इन अंडमान निकोबार इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में कैंप बेल सैडल पीक महाराज सॉरी महात्मा गांधी तो ये नहीं होगा ठीक जो महात्मा गांधी सैडल पीक पे जरा बताएंगे मिडिल नॉर्थ साउथ किसका कौन से अंडमान में हु? तो सैडल पीक जो है पहले तो मैं महात्मा गांधी को बताता हूँ महात्मा गांधी आपका साउथ अंडमान में है जहां पे पोर्ट ब्लेयर है ना अंडमान निकोबार की कैपिटल नॉर्थ है मिडिल है साउथ है लिटिल है तो यहाँ पे तुम्हारी सैडल पीक है सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में और यहां पे महात्मा गांधी और यहीं पे सैडल सा, पीक नेशनल पार्क भी और यहां पे महात्मा गांधी नेशनल पार्क है साउथ सॉरी साउथ अंडमान में होगा ना कि लिटिल में ठीक है ठीक फिर इसके बाद आ जाएगा टेन डिग्री चैनल और निकोबार ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड में गैला थिया और कैंपेबल देखने को मिलते हैं निकोबार में ठीक है आंसर वुड बी चारो डी और कोई है हाँ है हंड्रेड विच ओशियंस ऑन अर्थ इसमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है मैंने टिप दी थी ना जब भी ऐसा कोई फैक्टर पूछे जनरली ऑल ऑफ दी अब था बट फिर भी हम पढ़ लेंगे इसमें से कौन सैलेंटी खारेपन को इन्फ्लुएंस करता है विंड डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है ठीक है मैंने आपको बताया था कैसे हम लोगों ने सब देखा था चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी चेंज होगी वो सारी मैंने बताया था ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट होगा तो वो सारी चीज होगी तो ये भी आपका होगा फैक्टर और जनरल अगर मान लो आपको नहीं भी पता है ना तो जनरली आपको कंसिडर करना है कि, कि किसी ना किसी वे में तो इन्फ्लुएंस करता ही होगा बिकॉज जोग्राफी में ना जाने कितनी सारी चीज़ें काम करती हैं ना जाने कितनी सारी चीज़ें काम करती हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉयल में टाइम तक भी इन्फ्लुएंस करता है सॉयल को तो अगर आपको बेनिफिट डाउट लेना है तो लीजिए कि हाँ ही होगा इन्फ्लक्स ऑफ वाटर बिल्कुल वाटर आपका फ़्रेश वाटर होता है रिवर का तो वो भी सैलिनिटी को कम करता है तो ये भी होगा इवेपोरेशन सैलिनिटी को बढ़ाता है प्रेसिपिटेशन सेलिनिटी को कम करता है तो आंसर होगा वन टू थ्री फोर बी खत्म हो गए सौ क्वेश्चन दो सौ क्वेश्चन हम लोगों ने दो सौ तो नहीं बोलेंगे बट हाँ डेढ़ सौ क्वेश्चन क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने स्किप किए थे तो दो डेढ़ सौ क्वेश्चन तो किए ही हैं और डेढ़ सौ क्वेश्चन में न जाने हमने कितने पॉइंट्स कवर किए हैं तो इसको आप बोल सकते हो कि तकरीबन हमने तीन सौ प्लस चीजें तो रिवाइज करी ही होगी है ना और पूरा जोग्राफी जो हम लोगों ने किया है पिछले महीने वो पूरा खत्म होता है आज रिवाइज हो चुका है अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको अंत में जाके रिवाइज करना है रेगुलर रिविजन चलते रहने चाहिए जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं कल से बैच में मॉर्निंग नाइन एम पे आपकी क्लास होगी ठीक और इसको एनर्जी हो गई खत्म शिवाजी जल्दी से रजवाई ठीक और यार सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो हुं? दया नहीं आती <laughs> क्यों देखो एकदम से जब सेशन खत्म होने वाला होता है एकदम से बढ़ जाते हैं लोग टाटा बाय बाय करने के लिए आ जाते हैं जल्दी से ठीक फुल स्टॉप लगता है और विल स्टार्ट पॉलिटिक्स फ्रॉम टुमारो नाइन एम ठीक धन्यवाद